खरगोश के लिए कौन से फ्रूट सेफ है, कौन से फल सेफ है जो कि हम लोग अपने बनी को दे सकते हैं, खिला सकते हैं, तो ये सारी चीजें आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो में आज हम लोग ऐसे 14 फ्रूट्स का नाम जानेंगे जो कि हम लोग अपने खरगोश को खिला सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू रैबिट फन कॉर्नर यूट्यूब चैनल, आप सभी का इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। जो मैं 14 फ्रूट्स जो बताने वाली हूँ जो कि अपने खरगोश को हम लोग खिला सकते हैं, इसको बताने से पहले कुछ जरूरी बातें हैं जो कि मुझे लगा वो बताना काफी इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली हम सभी को पता है कि खरगोश का जो मेन जो आहार है, जो फूड है, वो घास होता है, हे होता है, और कभी कभी हम लोग उसे ग्रीन वेजिटेबल्स भी देते हैं खाने के लिए, और एज ए ट्रीट फ्रूट्स देते हैं। तो यहाँ पे मेरा मेन मकसद बताने का ये है इस वीडियो में फ्रूट्स से रिलेटेड, कि हम लोगों को फ्रूट्स अपने बनी को एज ए ट्रीट की तरह देना चाहिए, मतलब कि 1 or 2 टाइम्स अ वीक, सप्ताह में 1 या 2 बार ही हमें अपने फ्रूट्स, मतलब बनी को फ्रूट्स देना चाहिए, वो भी बहुत ही कम क्वांटिटी में। तो ये जानना काफी इम्पोर्टेंट था। अब हम लोग 1 by 1 फ्रूट्स के नाम जान लेते हैं जो कि हम लोग अपने खरगोश को खिला सकते हैं। तो एप्पल हो गया, एप्पल हम लोग अपने खरगोश को खिला सकते हैं। जब भी हम लोग अपने खरगोश को एप्पल दे तो कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो कि हमें खास तौर पर ध्यान रखनी चाहिए। जब भी हम लोग एप्पल अपने बनी को दे तो उसमें जो सीड्स होते हैं, उसके जो बीज होते हैं, उसे निकाल कर ही हमें अपने खरगोश को देना चाहिए, क्योंकि उसका जो सीड होता है वो बहुत ही हानिकारक होता है रैबिट के लिए। तो प्लीज उसका जो सीड है एप्पल का, उसे निकाल कर तभी अपने बनी को दे एज अ ट्रीट उसे खाने के लिए। हमारा जो खरगोश है घुपलू, जैसा कि आप सभी को पता ही है, हमारे खरगोश को एप्पल काफी पसंद है, वो बहुत ही इंटरेस्ट लेकर खाता है, और काफी मतलब वो आवाजें भी करके खाता है, कट कट करके खाता है, वो काफी क्यूट सा लगता है देखना उस समय जब हम लोग अपने खरगोश को एप्पल देते हैं। तो चलिए अब हम लोग सेकेंड फ्रूट पर चलते हैं जो कि है बनाना। केला हम लोग अपने बनी को दे सकते हैं, वो सेफ फ्रूट में ही आता है। केला जो है उसमें हाई शुगर होता है, तो इसलिए हमें बहुत ही कम क्वांटिटी में अपने बनी को देना है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बताया था कि एज ए ट्रीट देना है और 1 or 2 a week देना है, तो प्लीज इस चीज का आप खास तौर पर ध्यान रखिए कि एज ए ट्रीट की तरह ही हमें अपने बनी को बनाना भी देना है, ये भी फ्रूट देना है। तो चलिए अब हम लोग थर्ड फ्रूट पर आते हैं जिसका नाम है पपाया, पपीता। पपीता जैसा कि आप सभी को पता है कि काफी अच्छा लगता है खाना, और मेरा जो बनी है उसे भी काफी पसंद है, गुपलू को भी काफी पसंद है पपाया खाना। तो जब भी आप पपाया दे अपने बनी को तो एक चीज का खास तौर पर आप सभी को ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी उसे पपाया दे तो प्लीज उसका जो छिलका होता है वो आप हटा दे, और उसमें जो सीड्स होते हैं वो हटाकर ही अपने खरगोश को दिए। तो ये था थर्ड फ्रूट जो कि था पपाया। चलिए अब हम लोग फोर्थ फ्रूट पर आते हैं जो कि है वाटरमेलन। वाटरमेलन तरबूज जो है ये भी सेफ फ्रूट है, आप अपने बनी को खिला सकते हैं, और इसमें भी हाई शुगर होता है, तो ये भी काफी कम देना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बताया था कि एज ए ट्रीट ही हमें देना है, और ये जो वाटरमेलन है जब भी अपने बनी को आप दे तो प्लीज इसका जो सीड है वो निकाल कर ही अपने बनी को दीजिए। तो ये था फोर्थ फ्रूट। अब हम लोग फिफ्थ फ्रूट पर चलते हैं जो कि है सबका फेवरेट, जो कि है मैंगो। मैंगो जो है वो सेफ फ्रूट में ही आता है बनी के लिए। तो जब भी गर्मियों का मौसम जब भी आता है तो हम लोग तो जरूर से अपने गुपलू के लिए भी आम जरूर खरीद के लाते हैं, और उसे स्लाइस करके थोड़ा सा देते हैं, तो काफी इंटरेस्ट लेकर खाता है। तो मैंगो सेफ फ्रूट है, आप अपने बनी को खिला सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग सिक्स्थ फ्रूट पर चलते हैं जो कि है अंगूर। जी हाँ फ्रेंड्स, ग्रेप्स भी हम लोग अपने खरगोश को खिला सकते हैं, ये भी सेफ फ्रूट में ही आता है, और ग्रेप्स भी बहुत ही थोड़ा देना चाहिए, जैसा कि मैंने बताया था कि एज ए ट्रीट देना चाहिए। चलिए अब हम लोग सेवेंथ फ्रूट पर चलते हैं जिसका नाम है नाशपाती पियर। तो फ्रेंड्स जो नाशपाती है ये भी सेफ फ्रूट में ही आता है,
तो जब भी आप अपने खरगोश को नाशपाती दीजिए तो उसका जो सीड होता है वो निकाल कर ही दीजिए, क्योंकि उसका सीड काफी हार्मफुल हो सकता है खरगोश के लिए। तो ये था सेवन फ्रूट नाशपाती। अब हम लोग एट फ्रूट पर चलते हैं जिसका नाम है स्ट्रॉबेरी। जी हाँ फ्रेंड्स, जो स्ट्रॉबेरी है ये भी काफी मतलब बनी काफी पसंद करते हैं, खरगोश काफी पसंद करते हैं खाना, और ये भी सेफ है। लेकिन लेकिन इसे लार्ज क्वांटिटी में ज्यादा नहीं देना चाहिए, जैसे कि मैं आपको बार बार वीडियो में बता रही हूँ कि ऐसे ट्रीट देना है और कम क्वांटिटी में देना है, और वन और ट्वाइस अ वीक देना है। तो जो स्ट्रॉबेरी जो है वो आप अपने खरगोश को आप खिला सकते हैं, ये भी सेफ फ्रूट में ही आता है। मेरा गुपलू स्ट्रॉबेरी पसंद नहीं करता है, तो हम लोग फिर उसके लिए स्ट्रॉबेरी नहीं लाते हैं, उसे हम लोग दूसरे ही फ्रूट देते हैं स्ट्रॉबेरी को छोड़कर, क्योंकि मेरा जो बनी है वो खाना ही पसंद नहीं करता, तो हम लोग उसके लिए स्ट्रॉबेरी खरीद कर नहीं लाते हैं। अब चलिए हम लोग नाइन्थ फ्रूट पर चलते हैं। पाइनएप्पल अनानास ये भी सेफ फ्रूट ही होता है खरगोश के लिए, तो हम लोग अपने बनी को पाइनएप्पल खिला सकते हैं। जब भी हम लोग पाइनएप्पल हम लोग जब भी अपने खरगोश को दें, तो उसका जो छिलका होता है और उसका जो लीफ होता है उससे हटाकर रिमूव करके ही अपने खरगोश को देना चाहिए एज अ ट्रीट। चलिए अब हम लोग टेंथ पॉइंट पर चलते हैं, टेंथ फ्रूट पर चलते हैं जिसका नाम है कीवी। जी हाँ फ्रेंड्स, कीवी हम लोग अपने खरगोश को खिला सकते हैं, ये भी सेफ फ्रूट में ही आता है, और कीवी जब भी दे तो उसका जो छिलका है उसे रिमूव करके ही अपने बनी को देना चाहिए। अब चलिए हम लोग लेवन फ्रूट के ऊपर चलते हैं जो कि खरगोश के लिए सुरक्षित है। अब जो मैं फ्रूट का नाम बताने जा रही हूँ, अधिकतर लोगों को ये फ्रूट काफी पसंद होता है और उसका नाम है ऑरेंज। जी हाँ फ्रेंड्स, संतरा जो है अधिकतर लोगों को पसंद होता है और साथ में खरगोश को भी काफी पसंद होता है। मेरा जो गुपलू है उसे भी काफी पसंद है संतरा खाना, तो हम लोग अपने खरगोश को संतरा खिला सकते हैं, ये भी सेफ फ्रूट में ही आता है। तो जब भी हम लोग अपने खरगोश को संतरा दे तो उसका जो छिलका होता है और उसके जो बीज होते हैं वो निकाल कर ही अपने खरगोश को देना चाहिए। चलिए अब हम लोग ट्वेल्थ फ्रूट का भी नाम जान लेते हैं जो कि खरगोश के लिए सेफ है। मेलन खरबूज जो है वो हम लोग अपने खरगोश को खिला सकते हैं, ये भी सेफ है उसके लिए। और जब भी हम लोग खरबूज अपने खरगोश को दे तो खरबूज का जो बीज है वो निकाल कर ही हमें अपने खरगोश को देना चाहिए। चलिए अब हम लोग 13th फ्रूट के ऊपर चलते हैं, उसका भी नाम जान लेते हैं और उसका नाम है पीच। आड़ू जो है वो हम लोग अपने खरगोश को खिला सकते हैं, वे भी सेफ ही होता है, और जब भी हम लोग पीच दे तो उसका जो बीज होता है वो भी निकाल कर ही हमें अपने खरगोश को देना चाहिए। अब लास्ट फ्रूट का नाम हम लोग जान लेते हैं जो कि खरगोश के लिए सुरक्षित है और अधिकतर खरगोश को पसंद होता है खाना, और उसका नाम है चेरी। जी हाँ फ्रेंड, चेरी जो है ये हम लोग अपने खरगोश को खिला सकते हैं, ये भी सेफ फ्रूट में ही आता है। जब भी चेरी दे तो चेरी का जो बीज होता है वो निकाल कर ही हमें अपने बनी को देना चाहिए खाने के लिए। तो इस वीडियो में हम लोग जाने कि ऐसे कौन से 14 फ्रूट्स है फल है जो कि हम लोग अपने खरगोश को खिला सकते हैं जो कि सेफ होता है। जाने से पहले मैं दो इम्पोर्टेंट चीजें बताना चाहती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। पहला पॉइंट ये है कि अगर आपका बने ये 14 फ्रूट्स में से अगर कोई फ्रूट्स खाना पसंद नहीं कर रहा है तो प्लीज इट्स माय ओपिनियन कि आप उसे फोर्स ना करें। जैसे कि मेरा जो गुपलू है उसे स्ट्रॉबेरी खाना पसंद नहीं है, तो हम लोग फिर मार्केट से उसके लिए स्ट्रॉबेरी नहीं लाते हैं, हम लोग उसे फोर्स भी नहीं करते कि तुम ये फ्रूट तुम खाओ ही, क्योंकि जो ये सारे जो फ्रूट्स है ये तो एज ए ट्रीट ही है। मेन तो जो रैबिट्स के जो फूड है वो है हे हो गया, ग्रीन ग्रास हो गया, और फिर कभी कभी हम लोग वेजिटेबल्स देते हैं, और ये जो फ्रूट है ये एज अ ट्रीट है। तो अगर ये 14 फ्रूट्स में से अगर कोई फ्रूट अगर आपका बनी नहीं खाना चाह रहा है तो ये मेरा सजेशन है कि प्लीज इसे आप फोर्स भी मत कीजिए कि ये फ्रूट तुम खाओ ही, उसे जो फ्रूट्स अच्छा लग रहा है तो एज ए ट्रीट की तरह आप वो फ्रूट्स आप उसे दे सकते हैं। और जो सेकेंड पॉइंट है जो कि मुझे लगता है जो कि काफी इम्पोर्टेंट है, जब भी हम लोग अपने खरगोश को ये फ्रूट्स जब भी हम लोग देते हैं तो प्लीज हमें नोटिस करना चाहिए कि उसके बॉडी को क्या सूट कर रहा है क्या सूट नहीं कर रहा है, ये जानना काफी जरूरी है और हमें ये ऑब्जर्व करना काफी जरूरी होता है, क्योंकि
हर रैबिट एक दूसरे रैबिट से अलग होता है। जैसे कि ह्यूमंस में ही हम लोग देखते हैं कि कोई अगर कोई मिल्क प्रोडक्ट लेता है तो उसे डाइजेस्ट होता है, कोई दूसरा कोई अगर लेता है तो उसे डाइजेस्ट नहीं होता है। किसी की इम्यून सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग होती है, किसी की इम्यून सिस्टम बहुत ही वीक होती है, तो ये डिपेंड करता है ह्यूमन टू ह्यूमन। तो इसी तरह मैं यहाँ पे ये बताना चाह रही हूँ कि हमें ऑब्जर्व करना चाहिए कि उसे कौन सा फ्रूट सूट कर रहा है, कौन सा फ्रूट सूट नहीं कर रहा है। तो ये था मेरा दो इम्पोर्टेंट चीज बताना इस वीडियो में, जो कि मुझे लगा कि ये काफी इम्पोर्टेंट है आप सभी के साथ शेयर करना। तो इस वीडियो में मैंने 14 फ्रूट्स बताया है और कुछ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स थे वो आप लोगों के साथ शेयर किया, डिस्कस किया। तो प्लीज बताइएगा कि आपको इस वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर किया है वो आप सभी को कैसा लगा। अगर आपको लगता है कि मैंने इस वीडियो में कुछ तो अच्छा बताया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और आपके जो भी सजेशन से और जो भी कमेंट्स है प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको आपके कुछ ऐसे सजेशंस हो कि मैं इसके ऊपर टॉपिक पर कोई वीडियो लाऊं उस पर्टिकुलर टॉपिक पर, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में वो भी लिखकर ज़रूर बताइएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, गुड बाय।